हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज शेख है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़। अब लोग बी सेक्टर U1 लाइन में आए हैं। यहाँ पर लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे क्या परेशानी है। अभी कुछ पूछने जाएंगे तो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बेवा लोग का है, पितरे लोग का। चलो अभी तो ये टाइम में लॉकडाउन हो गया, कितना दिन हो रहा, इतना दिन। मतलब यहाँ पर अभी जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि ये राशन बेवा लोग का है, आप लोगों का नहीं है, कोई एक शख्स का है जो बता सकते हैं कि कोई पार्टी से या कोई ऐसे नॉर्मल लोग है? पार्टी में काम करने वाले थे, वो जो पार्टी में काम करने वाले उनके पास दे देते नेता लोग। उन लोग क्या करते हैं कि ये लोग तुम्हारा नहीं है, ये पितरे वाले का है, ये बेवा लोग का है, तो ये हमारे हिस्सा कहा जाएगा, बोलो हम लोग क्या कहेंगे। रहने वाले भी नहीं खा रहे, अभी ऐसा टाइम है कि पगार रहने वाले भी नहीं खा रहे, नहीं रहने वाले भी नहीं खा रहे, ऐसा हो गया तो सबको देना चाहिए ना। चलो हाँ, इंसान उनको 5 किलो दे रहा, हम लोग को 1 किलो दो ना, देना चाहिए ना, वो भी नहीं कर रहे। अगर पूछने जाएंगे जूस का बॉटल घर में भरा देते, खाना घर में भरा लेते, ब्रेड का पैकेट भी घर में भरा लेते, देते नहीं। ऐसा यहाँ पर कौन सी चीज़ें आई है जो आप लोगों के आंखों के सामने जो आपने देखे और आप लोगों तक नहीं पहुँचा है? हमारे इधर खाली कलिंगड़ आयला, एक गोभी आयला, 1.5 किलो शक्कर, 1.5 किलो दाल और 1.5 किलो कांदा, बस इतना ही आयला हमारे गली में, बाकी चीज एक भी चीज नहीं आयला। और यहाँ पर कोई लोग आए थे आप लोगों से कुछ नाम लिखाने, नंबर लेने, कुछ ऐसे लोग आए थे? नाम लिखाए थे, ऐसे वैसे लोग आके लिखा के जाते, हमारे एक जन भी लेके आके दिए नहीं। कहा ले, वो हमारी गली में भी आ ले, जब चीज आ रहा तो सब जगह आना चाहिए, सब सबको मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, ये बात मैं बोल रही। आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक के क्या क्या बांटा गया, क्या? वही कलिंगर आया था गली में, कलिंगर है और क्या, वही फलूट था और बाकी कुछ नहीं, अभी तक कुछ आया ही नहीं है, 1.5 महीना हो गया इसके लिए, मगर कुछ भी नहीं आया, अभी हमारी गली में मिला ही नहीं है, लास्ट तक यहाँ से लास्ट तक पूरी गली में नहीं मिला कुछ भी। आइए हम यहाँ के रिहाना पर से बात करते हैं, देखते हैं पूछते हैं उनसे कि यहाँ पर लोगों के साथ में क्या तकलीफ हो रही है और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गली में इतना प्रॉब्लम है, इतने गरीब लोग, मतलब समझो खाने खाने को इतना ही है यहाँ पे, यहाँ पे खाली नाम लिख के लेके जा रहे हैं लेकिन कहीं पे कोई राशन नहीं आ रहा है, बस खाली नाम की लिस्ट जा रही है, राशन हमारे नाम का आया है लेकिन जो है ना हमारे तक ये पहुँच रहा नहीं, गरीब तक पहुँच रहा नहीं है, और जो है ना यहाँ बस खाली एक कड़िंगा दे के गए, एक फ्लावर ले दे के गए, बस उसमें गुजारा हो जाएगा क्या यहाँ के गरीबों का? यहाँ इतने परेशान है, बेवा लोग है, बेवा लोग का नाम भी लिख के लेके जा रहे लेकिन कुछ कुछ भी नहीं दे रहे, तो बताइए आप लोग हम कैसे गुजारा होगा। अभी जैसे कि बोले थे यहाँ पर कुछ लोगों ने कि बेवा लोगों का राशन आ रहा है, मतलब बाकी लोगों को राशन नहीं आ रहा, लेकिन आप बता रहे कि बेवा लोगों का भी राशन नहीं मिल रहा है यहाँ? जी हाँ, यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा, हमारी गली में हमें पता है ना कि यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा है। जैसे कि ये एक ही गली में सिर्फ प्रॉब्लम है या फिर आजू बाजू का भी वही हाल है? आजू बाजू का भी वही हाल है लेकिन हमारी गली में कुछ ज्यादा ही है, हमारी गली में जो है ना ज्यादा ही, मतलब है कि नाम भी लिखने के लिए आएंगे ना तो बस खाली 5 लोगों का, 6 लोगों का। जो सिराज भाई है वो तो हाथ उठा दे रहे कि हमको ये एरिया से कोई मतलब नहीं है, मैंने 2 दफा भाई को फोन कर सिराज भाई को, लेकिन उन्होंने क्या बोले कि हमारे को ये एरिया से, ये एरिया का मेरे अंडर में नहीं है, तो ये एरिया किस अंडर, किसके अंडर में है? जैसे कि दोस्तों आप लोग ने देखा बी सेक्टर U1 लाइन में लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। हम NGO है, जो भी लोग मदद कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी देखे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगह हमारे बोलने पर, रिक्वेस्ट पर आप लोगों ने आगे बढ़ के मदद की, उसी तरीके से यहाँ भी मदद करिए दोस्तों। मेरा नाम सरफराज शेख है, आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़, कैमरामैन कादर हुसैन के साथ।